दोस्तों, अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य है जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है, और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती है। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से माला माल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं, वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उनपे जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान के देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास आप करें। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें रोजाना। गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें, और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए, और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं दूसरा कार्य, सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को ये जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है, और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती, भोलेनाथ
बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें, और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने, आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना लें। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगाएं। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में ग्रह कलेश नहीं होता। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौकों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें, और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों, देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहनकर रखें। दोस्तों, सातवां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें, और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दे। श्रृंगार आप नया ही खरीदे और बांटे। दोस्तों, आठवां, सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना
बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा की आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्य को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें मन चाहा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको ये सभी आठों कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है।